जय हिंद, नमस्ते। आप सभी देख रहे हैं समाधान स्टडी। और गाइस, जैसे कि आपको दिख रहा है फ्रंट पेज पर कि गुड न्यूज़ है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे NHM वाले, तो उनका जो है एडमिट कार्ड आ चुका है, जो फॉर्म डाला था। इसके पहले जो है मैंने अपडेट भी लाया था आपके लिए कि फॉर्म आपको डालना है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑलमोस्ट फॉर्म डाल दिया था। अब देखते कितने स्टूडेंट ने फॉर्म डाला है और कितना स्टूडेंट जो है एडमिट कार्ड अब आपको डाउनलोड करना है। एडमिट कार्ड की लिंक एक्टिव हो चुकी है और एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है। दिसंबर में आपका एग्जाम होना है, ठीक है गाइस। तो इसके लिए क्या क्या सावधानी रखना है, कैसे हम लोग एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे, क्या इसकी साइड है, तो ये सारा का सारा जो है अभी मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाला हूँ। तो चलिएगा, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जाना है NHM की ऑफिशियल साइट पर। तो हम आ चुके हैं NHM की ऑफिशियल साइट पर। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे फ्रंट पेज पर ही ये दिख रहा है आपको। यहाँ पर लिखा है ये नेशनल हेल्थ मिशन की ऑफिशियल साइट है। यहाँ से ही आपको पूरी प्रोसेस के बारे में पता चलता है। तो देखिएगा, पहले तो ये फॉर्म निकला था, दिया गया आपका यूपी NHM वाले स्टूडेंट है, इनका फॉर्म निकला था। अब ये देखिए, दिसंबर में आपकी एग्ज़ाम होना है और इसमें पद की बात कर लेते तो 2445 पोस्ट थी और ऑलमोस्ट देखिए आप में रिटर्न एग्ज़ाम होगा, मतलब आपका एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। चलिए, क्या निर्देश है तो ये देख लीजिए। आप लोग का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है तो देखिए, सिंपली इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ फैमिली सर्विस जो होता है वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ यूपी सरकार का ये फॉर्म निकाला था। आपको क्या लगेगा, सिंपली आपको लगने वाला है यूज़र आईडी, जो आपने फॉर्म डालते समय अपनी यूज़र आईडी बनाया होगा वो आपको यूज़र आईडी यहाँ पर डालना है, और जो इसका आपके पासवर्ड जो रखा था आपने, जो आपने पासवर्ड रखा था उस पासवर्ड को आपको फिल करना है। और नीचे जो भी यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर जो दिख रहा है ये डिजिट को आपको इस पर फिल करना है, और सिंपली क्या करना है, लॉगिन करना है। इसमें आपका प्रिंट आउट जो है आ जाएगा, मतलब एक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा कि आपको सिटी कहाँ मिली है, क्या क्या निर्देश है इसमें, सिटी में आपको निर्देश दिया होगा, आपका एग्जाम सेंटर कहाँ है ये दिया होगा। तो अगर किसी स्टूडेंट से यहाँ पर निकल नहीं पाएगा तो वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपना जो है क्या देगा, आईडी देगा और नीचे पासवर्ड भी सेंड करेगा, तो मैं उन्हें बता दूंगा आपका एग्जाम सेंटर कहाँ है और आपको पेपर कितने दिन में और किस डेट में दिया हुआ है। तो इसके लिए जो है नीचे कमेंट्स बॉक्स होगा उसमें आपको कमेंट्स करना है। और निर्देश तो क्या है, आपके साथ जो फोटो लगना है, उसके बाद जो आपको पेन तो नहीं, आपका जो है ऑनलाइन एग्जाम होगा, ये सारी प्रोसेस होती रहती है। तो एडमिट कार्ड जब डाउनलोड हो जाएगा प्रॉपरली तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिएगा, ये थी नेक्स्ट अपडेट आपके लिए, गुड न्यूज़ थी कि प्रॉपरली आपका एग्ज़ाम सही समय पे हो रहा है। क्योंकि गाइस बहुत साल हो चुके हैं, अभी पुरानी एग्ज़ाम भी पेंडिंग पड़ी है, एग्ज़ामें नहीं हो रही थी, बट ये फॉर्म आया है मतलब एग्ज़ाम आपकी होना तय है। एक्चुअली आपका नेक्स्ट मंथ ही एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोग जो है शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक, ताकि एटलीस्ट उन्हें भी तो जो है पता चल सके कि आपका एग्ज़ाम होना है। तो चलिएगा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्ते।